के आंसू। अक्सर ऐसा होता है, फल आम लोगों की पहुंच से दूर रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि फलों की कीमत ज्यादा होती है, लेकिन अब हर घर की रसोई में उपयोग किए जाने वाली प्याज की रेट महंगे फलों को भी पीछे छोड़ रही है। बढ़ती प्याज की कीमतों ने भोजन का स्वाद बिगाड़ दिया है। बढ़ती हुई प्याज की कीमतों ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। इंदौर के सब्जी बाजारों में फुटकर में प्याज 100 रुपए से लेकर 110 रुपए किलो तक बेची जा रही है। प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी चोइथराम मंडी इंदौर में महाराष्ट्र और निवार क्षेत्र सहित अन्य जिलों से प्याज की आवक हो रही है। मंडी अध्यक्ष का कहना है कि इस बार ज्यादा बरसात होने के कारण प्याज के दामों में बढ़ोतरी हुई है और ये जनवरी माह के अंत तक सुधार होने की संभावना है। प्याज की आवक घटकर महज 20% रह गई है। इसके साथ ही प्याज के बढ़ते रेट लोगों की जेब पर भी असर डाल रहे हैं। मंडी के विक्रेताओं का कहना है कि थोक बाजार में प्याज का रेट 60 रुपए से लेकर 90 रुपए तक प्रति किलोग्राम बेची जा रही है, जबकि फुटकर में विक्रेता इसे 80 से 110 रुपए किलो तक बेच रहे हैं। इंदौर की थोक सब्जी मंडी इन दिनों सेब से महंगा प्याज बिक रही है। बीते 15 दिनों में से सेब के दामों में 60 रुपए प्रति किलो की गिरावट आई है। 100 से 120 रुपए किलो बिक रहा सेब अब 40 रुपए से 50 रुपए किलो बिक रहा है। प्याज के रेट बीते 15 दिनों में दोगुने हो गए हैं। सेब सस्ता होने से जहां आम लोगों की पहुंच में आ गया है, वहीं प्याज की लगातार बढ़ रही कीमतों ने इसे आम लोगों की पहुंच से दूर कर दिया है। दादा, प्याज महंगे हो गए हैं, क्या करने पर असर का? प्याज के रेट महंगे होने से प्याज की खुराकी पूरी जनता ने खाना बंद कर दिया। 110 रुपए 120 रुपए किलो प्याज कौन खाएगा? दिन में 50 जगह पूछते, मुश्किल से एक जगह भी नहीं पड़ता, कोई लेता तो वो भी आधा किलो ही। पहले की गिराकी और अभी की गिराकी में कुछ असर पड़ा है क्या? उसके से 2% की गिराकी थी, अच्छी 98% धंधे खत्म हो चुके हैं। आपका नंबर? हाँ बताएं, प्याज महंगा हो गया है, बजट पे क्या असर पड़ा है आपको? भैया बजट पे क्या होता है, बजट ही बजट है। 250 भी नहीं ले पा रहे? हाँ, 250 ग्राम भी नहीं ले पा रही है। नई प्याज ही मतलब 30-40 रुपए किलो बता रही है, और पुरानी प्याज 100 रुपए किलो, 120 रुपए किलो। पहले आप कितना प्याज लेते थे और अब कितना प्याज? 5 किलो प्याज नहीं लेते थे, अब पावर भी नहीं ले पा रही। अपना नाम बता दीजिएगा। सीमा पवार। पड़ा है बजट पे आपके? और नहीं, जैसे पहले हम 1 किलो प्याज लेते थे हफ्ते भर का, अब 250 ग्राम लेते हैं। क्या दाम चल रहे हैं प्याज के और क्या बजट का? अभी तो 100 रुपए के आसपास बता रहे हैं। तो आपके बजट पे क्या असर पड़ा इससे महंगाई की वजह से? तो वो चीज महंगी होगी तो बजट तो खराब हो गई। सब पहले सलाद में खाते थे, अब सिर्फ सब्जी में खाते। खराब खाना बंद कर दिया। हाँ, अपना नाम बता दीजिए। निर्मल खंडेल। प्याज के दाम बढ़ रहे हैं लगातार, क्या लगता है आपको, क्या बजट में क्या बजट क्या? रात को धंधा करते, सुबह सारा पैसा प्याज में चले जाते। क्या करते हैं आप, किस होटल में आती है परेशानी? क्या ग्राहक को समझ मारी हो जाती है, उनको बोलते थाली में प्याज मत छोड़ो, फिर भी झूठी प्याज छोड़ देते, पैसे को देते ग्राहक प्याज के, फ्री में जाती होगा सारी। कोशिश ये रहती है कि हम ग्राहकों को अच्छे से अच्छे क्वालिटी दें, लेकिन अब महंगाई इतनी है, फिर भी देना तो पड़ेगी ग्राहक। प्याज का फर्क पड़ रहा है? बहुत फर्क पड़ रहा है। रात को 10,000 का धंधा उठा, सुबह 100 किलो प्याज ला तो 10,000 की आती, आज 11,000 की हो गई। गणेश के साथ हमें थोड़ा।